और मानशेर सिंह ओलंपिक जैसे खेलों के लिए भारतीय शूटर्स की नींव मजबूत करने में जुटे हुए हैं। रियो ओलंपिक में हिस्सा ले रहे महराज खान को हराकर जूनियर शूटर अनंत जीत सिंह नरुका ने बता दिया है कि चार बार के ओलंपियन मानशेर सिंह का मिशन बुलंदी की ओर बढ़ रहा है। रियो और उसके बाद 2020 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक में भारतीय शूटर्स कितने मेडल्स जीत सकते हैं, हमने मानशेर सिंह से ये जानने की कोशिश की, उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने। अगले साल होने वाले रियो ओलंपिक्स में पूरे भारत को शूटिंग से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। जयपुर में चली नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में आए हैं मानशेर सिंह, जो अर्जुन अवार्डी हैं, जो मध्य प्रदेश में एकेडमी चलाते हैं और फॉर्मर ओलंपियन भी हैं, और हिंदुस्तान को कई बार उन्होंने प्राउड फील कराया है। मानशेर सिंह जी, कल जयपुर के लड़के ने अनंतजीत सिंह ने सीनियर्स में जाकर गोल्ड मेडल लिया, आपको क्या लगता है कि क्या है हमारा फ्यूचर, क्योंकि अब बहुत यंग टैलेंट आ रहा है उभर कर? बिल्कुल, ये बिल्कुल आपकी बात सही है। मैंने देखा राइफल पिस्टल में भी इस नेशनल में जो दिल्ली में अभी आयोजित हुआ है उसमें भी जूनियर्स ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। खास करके यहाँ पे मैंने देखा हमारे जो लेडीज़ के मैचेस हुए, उसके बाद कल का मैच जो हुआ उसमें लग रहा है कि अब जूनियर टैलेंट जो है वो उभर के एक तरह से मैच्योरिटी के लेवल पे आ रहा है। जैसा आपने बताया कि कल फर्स्ट सेकंड जूनियर्स थे और काफ़ी इंटरनेशनल एक्सपोजर इनको मिल रहा है, आप भी एकेडमी चला रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि हमारे जो इंटरनेशनल वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स के जो शूटर्स है यंग एज के अंदर, वो कितना परसेंटेज आपको लगता है कि जो ग्रूम हो रहे हैं वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड के ऊपर आ जाएंगे? हमारे बहुत अच्छे शूटर ग्रूम हो रहे हैं, और अच्छी बात यह है कि सिर्फ एक इवेंट में नहीं, राइफल पिस्टल शॉटगन में तीनों में आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, वर्ल्ड चैम्पियन अगर 10 जूनियर हमारे उभर के आएंगे टॉप लेवल के, उसमें से मैं समझता हूँ हम बहुत ही लकी होंगे कि हमारे 2 या 3 वर्ल्ड चैम्पियन बन सकें। ओलंपिक्स में हम होप करते हैं कि 15 से 16-17 शूटर जाएँ, उनमें से काफ़ी एज लिमिट लो होगी, मैं समझता हूँ 25 से कम होगी, जिसमें देश का बहुत बेनिफिट है, क्योंकि खास करके ऐसा स्पोर्ट, शूटिंग ऐसा स्पोर्ट है जिसमें आप एक नहीं काफ़ी ओलंपिक चला सकते हैं। मैंने आप 4 ओलंपिक में हिस्सा लिया, ऐसे शूटर हैं जो 5-5 ओलंपिक्स में चला सकते हैं, तो एक बार ही एक शूटर, मैं समझता हूँ एक 20-22 साल की जैसी अपूर्वी चंदेला है आपके राजस्थान की, वो अपने पहले ओलंपिक्स में जा रही है, आप अगर वो कोई नहीं जीती वहाँ पे तो उसका मैं समझता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनको वो एक्सपीरियंस मिल जाएगा जब वो 2020 में जाएंगी टोक्यो में, हमारे लिए 100% पदक जीत के लाएंगी, क्योंकि जूनियर हैं, उनके पास टाइम है। मानशेर सिंह जी, हॉकी से भी बड़ा कंटिजेंट जाता है हमारा, इस बार जाएगा भी शूटिंग के अंदर, तो कितनी मेडल होप्स है आपको शूटिंग में? मैं समझता हूँ कहीं से 2 से 3 मेडल हमारे शूटिंग में आने चाहिए। कंडीशंस रियो पे जो होंगी उस पर बहुत ये लागू होएगा किस तरह से हमारे शूटर शूट करते हैं, उनकी कंडीशनिंग कैंप रियो में कब होएगा, जिससे वो तो उसके वहाँ जो शूटिंग रेंजेस हैं, वेदर है, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं शूटिंग रेंज के, उनको एक बार आजमाने के लिए, उनको कम्फर्ट फील करने के लिए, उसके बाद उसमें उनको ट्रेनिंग देने के लिए, इसकी भी बहुत ज़रूरी होगी। और दूसरी बात रहेगी कि हमारे कोचिंग सपोर्ट जो जाएगा वो किस तरह से शूटर्स को पीक में ला सकता है। और ये थे मानशेर सिंह, जिन्होंने ये साफ कर दिया है कि आज का बच्चा सीधे निशाना साधता है ओलंपिक में मेडल लेने पर, और कल जो फर्स्ट सेकंड आए वो हमारे 2020 टोक्यो ओलंपिक्स के लिए बहुत बड़ी होप बन सकते हैं। कैमरामैन मेश शर्मा के साथ विशाल बैरिस्टो, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, जयपुर।